थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब देखो ना, तुम अकलमंद हो तो तुमने कह दिया, अपनी राह चलो मियां, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं। बात वहीं खत्म हो गई। अब कोई तुम पे मर मिटे और तुम्हें उससे कोई लगाव ना हो तो वो कराची जाए या सात समंदर पार, तुम्हें क्या? I say get out। आइंदा मेरे मामले में जबान चलाई या अम्मी अब्बू को कोई मशवरा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं सिर्फ सॉरी बोलने आया, इंप्रेस करने नहीं आया। तुम्हें ठीक है, इट्स ओके। आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। साफ साफ ये पूछो कि कहाँ गई थी और किससे मिलकर आ रही हूँ। अरे किससे मिलकर आई हो तुम? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। कसम से वरा नहीं पता। आरफा के घर गई। आरफा के घर? हाँ, सोचा थोड़ी देर बैठूं उसके पास, दिलजोई करूं उसकी। तो फिर हो गई दिलजोई? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है मैंने। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। दिलजोई करने जाओ तो ये भी नहीं सोचती कि कहाँ जा रही हो। लेकिन वो बड़े सख्त दिल की है, भाई के जाने का इतना ज्यादा दुख नहीं है उसे। मतलब उसे तस्वीर नहीं थी तुम्हें? तस्वीर? तस्वीर वाला आइडिया तो पहले ही ड्रॉप कर दिया था मैंने। तो फिर क्या बातें हुई? वो खत लिखने वाली फरा की बातें हो रही थी। मुझे तो लगता है लुबना उसी के साथ भागा है। और ये बातें तुमने आरफा से भी कह दी? ये तो मैं तुम्हें अपना गैस बता रही हूँ। और इस तरह की छिछोरी लड़कियां जब बुलाओ आ जाती हैं। उसने भी कह दिया होगा आ जाओ, मौका अच्छा है, मिलकर भाग निकलते हैं। अब रह रही होगी उसके साथ बगैर निकाह के। पता है ऐसी लड़कियों का अंजाम बहुत बुरा। अंजाम अच्छा भी तो हो सकता है। हो सकता है दोनों ने निकाह कर लिया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऊपर से मौलवी का बेटा है, निकाह पढ़ाने के सारे तरीके आते होंगे उसे। हाँ, अब मुझे आरफा की बात समझ आई। कौन सी बात? कह रही थी हैदराबाद छोड़कर कराची गया है, कुछ बनकर ही वापस आएगा। कमीना, बाप बनकर आएगा वहां से। अम्मी, अम्मी उठे, वली आया है। वली कहाँ है?
दरवाजा खोल दें वरना सबको तमाशा दिखाएगा। सो जा, यास्मीन का कजन है, थोड़ा लोफर टाइप है, जब भी आता है इसी तरह बिल बजाता है। सारी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यास्मीन तो अच्छी है। क्या है, क्यों आए हो? क्या हाँ? अब भांजे से पूछोगी कि क्यों आया? 25 का कहा था ना कि आऊंगा, आज 25 है ना। और मैंने भी तुम्हें उसी दिन कह दिया था कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपका क्या है खाला, आप तो कहती रहे, हटिए ना। अब खाला भांजे में लड़ाई अच्छी थोड़ी लगती है, अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर नहीं जा सकते तुम। अब तुम रास्ता रोकोगी तो मुझे रास्ता तो बनाना पड़ेगा, चोट मोट लग जाएगी खाला। चल फिर बेटा, हिम्मत कर और खाला की हिम्मत को आजमा। बाबू हमीद। अरे वो मदद के लिए बुला रही है। वो जम के बैठे रहो, बुलाती है बुलाने दो। आदमी है कि हिजड़ा? बाबू हमीद। अफजल ना करो खाला, गुस्सा आ रहा है मुझे। बाबू हमीद चलो एक दफा और बुलाओ, आ गए हो तो ठीक वरना खुद दरवाजा खोल देना खाला। ये क्या हो रहा है? ऐसे ही खाला से मजाक कर रहा हूं। अफजल किराएदार हूं इनका। लेकिन ये तो बाबू हमीद को बुला रही थी ना, वो कहां है साला? देखिए गाली मत दीजिए, खाला के दरवाजे पर आकर बदतमीजी करना कोई अच्छी बात नहीं। नींद से जागा है ना, फिर जाके सो जा वरना यही सुला दूंगा। नाम क्या है आपका? बोलिए ना जनाब। वली नाम है इसका। मेरे अब्बा कहते हैं कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि लड़ाई हो जाए तो भागना भी अच्छी बात नहीं। वैसे तो ये आपकी खाला का घर, लेकिन परमिशन के बगैर तो अब्बा के घर भी नहीं जाते। तू नया नया आया तो लगता है मेरे बारे में तुझे किसी ने बताया नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलता हूं, लेकिन मेरी इस मुलाकात को मेरा इंट्रोडक्शन मत समझ। अगली दफा आऊंगा तो बताऊंगा ये साला वली है कौन। ओके खाला चलता हूं, ख्याल रखना उसका। अब अचानक किसी भी दिन आता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मार मार के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे, अब वो गिरबान पे हाथ रखने के जुर्म में तुम्हारी टांगे तोड़ देगा वली। अब्बा मुझे खुदा से डराते थे और तुम मुझे उसके बंदों से डरा रहे हो। ये मरेगा बाबू हमीद, साथ में तुम्हें भी मरवाएगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। नहीं आया, भेज दिया बजात को। आपने भेज दिया और वो चला गया।
ना करें अम्मी, दहेज देने से नहीं जाएगा वो। अफजल ने भेजा है उसे, उसने कहा तो एक चुटकी में समझ गया। क्या मतलब? रोब दाब से भेजा है, जैसे बाबू हमीद ने भेजा था? हाँ। फिर तो मर गया ना बेचारा, याद नहीं है बाबू हमीद का क्या हाल किया था उसने? याद है, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि लड़की को बचाने की ड्यूटी सिर्फ मर्द की होती है, मर्द अपना हो या पराया। तो उसको बचाने की ड्यूटी किसकी है? वो कमीना फिर आएगा तो 10 आदमी होंगे साथ, मार मार कर बुरकस निकाल देंगे उसका। बेचारा किराएदार है अम्मी, हमारा ठेकेदार तो नहीं है, और तो और ठीक से किराएदार भी नहीं है। क्या बोलकर गया है? कह रहा था कि दोबारा आऊंगा तो इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अपना। कोई ना, फिर वही बात, एक दिन बता रहा था इंट्रोडक्शन में टांगे तोड़ देता हूँ। मैं समझाती हूँ उसे, यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। अरे अरे सुनो तो, ये जख्म देख रहा है? साले ने 2 किलो का पिस्तौल मार दिया था, अभी भी दर्द होता है यहाँ। चलो सामान निकालो अपना और 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चले जाओ। कहाँ चला जाऊँ, क्यों चला जाऊँ, किराया नहीं दिया मैंने? वो तो दिया है, लेकिन जो तुमने वली को दिया है ना, वो 10 गुना सूद के साथ लौटा कर जाएगा तुम्हें। कब? कब क्या मतलब? उसको बताओ तो दो के माता है, मैं इमाम मस्जिद का बेटा हूँ, सूद वूद नहीं लेता। तुम्हें पता है वो क्या कह रही है? हाँ, सूद की बात करी है यार, बोल दिया है कि मैं नहीं लूंगा। सूद में 8-10 गुंडे लेकर आएंगे, वो मार मार के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे, और वो गिरबान पे हाथ रखने के जुर्म में तुम्हारी टांगे तोड़ देगा वली। कम से कम तो उसकी टांगे नहीं है क्या? क्या मतलब? मतलब साफ है बाबू भाई, आंख के बदले आंख और टांग के बदले टांग। क्या हीरो बनना चाह रहा है? अकेले 10 आदमी से लड़ेगा? पिस्तौल भी होती है उसके पास। अजीब बात है यार, अब्बा मुझे खुदा से डराते थे, और तुम मुझे उसके बंदों से डरा रहे हो। खुदा की कसम, कसम मत खाना, मुझे भी पता है वो आएगा, जब वो आएगा तो देख लेंगे कि 10 गुंडों में कितनी ताकत होती है। देखो मेरी तरह तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है, लेकिन उसे अच्छी शक्ल वाली औरतें पसंद हैं, अच्छी शक्ल वाले मर्द अच्छे नहीं लगते उसे, शक्ल बिगाड़ देगा तुम्हारी। तुम चैन से उसका इंतजार क्यों नहीं करती? आने दो उसे, और जो करके दिखा सकता है दिखाने दो, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं, और इंतजार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मरेगा बाबू हमीद, साथ में तुम्हें भी मरवाएगा। नाश्ता लेकर आ रही हूँ, और अब नाश्ता खाना जो भी खाओ यही समझ कर खाना कि आखिरी नाश्ता है या फिर आखिरी खाना है तुम्हारा। ये समझती क्या है वली को? पता नहीं तुम क्या समझते हो वली को। जाने वाला? अरे वो मर्द का बच्चा है यास्मीन, सुबह उसकी हिम्मत देखी थी मैंने, कल परसों भी देखिएगा, मर्द का बच्चा चूहा बनकर बैठा होगा, मुंह पर चोटें आएंगी ना तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। सूप का सामान पड़ा है ना? सूप मांग रहा है वो? अभी नहीं मांग रहा अम्मी, कल परसों के बाद मांगेगा, फिर तो 1-1.5 हफ्ता सूप ही चलेगा, बाबू उम्मीद बच गया तो वो खाएगा रोटी। जरा भी डर नहीं लगा उसे? बिल्कुल भी नहीं। और वो बाबू हमीद, उसने भी नहीं बताया कि वली कितना जालिम आदमी है? बताया, वो बेचारा तो अपने जख्म भी दिखा रहा था और ये देखकर हंस रहा था। ये इतनी लंबी हूं का क्या मतलब है? ये जंग का नकारा है दुख्तरे नेक अख्तर, कल परसों में घमसान का रन पड़ने वाला है, हक और बातिल की फौजें टकराएंगी और बातिल का सर नीचा हो जाएगा। कौन सी फौजें टकराएंगी? एक अकेले को फौज मत कहिए, 10-11 मिलकर कुचल डालेंगे उसको। मैंने उसकी आंखें देखी हैं, हार मानने वालों की आंखें नहीं है वो।
मैं भी यही कहने आई थी। अम्मी ने मशवरा दिया था कि आगरा से जाकर कहो आयत करीमा पढ़ो। लुबना कहाँ गई है? आरफा के घर। बातों बातों में ख्याल आया कि उनको आयत करीमा पढ़ना चाहिए। पढ़े तो तुम भी चली जाना, नेक कामों में अपना हिस्सा डालना चाहिए। है, ये तो फोन पे भी कहा जा सकता था। आरफा ने फोन करने से मना किया है, कहती है फोन बजे तो लगता है अफजल का फोन आया है, इसलिए तुम फोन मत किया करो। बेल बजे तो दिल में उम्मीद जागती है। ये अफजल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया? अम्मी, आपसे पूछ रही हूँ मैं। तुम्ही ने इम्पोर्टेंट बनाया उसे, पहले मोहब्बत का ड्रामा किया, फिर मंगनी का, और अब उसे ढूंढ कर लाने के लिए पापड़ बेल रही हूँ। पापड़ ढूंढ कर लाने के लिए? ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ, और जिस जिस ने देखा है वो काबू में नहीं है। सारे घर को तिगनी का नाच नचा दिया तुमने। पता है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा अपना सेलफोन घर ही में छोड़कर चले गए। इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं भी अपना फोन कई बार घर छोड़ के गई हूँ। पूरी बात तो सुनो फरा। जाकर दफ्तर से फोन किया, बोले देखो इरसा मैं कोई जरूरी चीज घर भूल गया हूँ। मैंने पूछा कौन सी चीज भूल गए हो, तो बोले याद आ जाए तो करता हूँ फोन। तो क्या नहीं याद आया? याद तो खैर अगले ही मिनट आ गया। फोन किया और कहने लगे कि अफजल का कुछ पता चला? अफजल का? अपने सेल फोन को अफजल कह रहे थे। तुम्हारे अब्बा अपना सेल फोन घर ही में छोड़कर चले गए। जाकर दफ्तर से फोन किया, बोले देखो इरसा मैं कोई जरूरी चीज घर भूल गया हूँ। मैंने पूछा कौन सी चीज भूल गए हो, तो बोले याद आ जाए तो करता हूँ फोन। तो क्या नहीं याद आया? याद तो खैर अगले ही मिनट आ गया। फोन किया और कहने लगे कि अफजल का कुछ पता चला? खुदा की कसम ये नहीं। अब साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम पागल हो गई हो लुबना। अरे तो चली जाओ ना, एक दफा सबकी तसल्ली हो जाएगी। बहन हूँ तुम्हारी, इसलिए जरूरत के वक्त तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट बन जाती हूँ, वरना लोग तुम्हारे पागलपन को नहीं मानते। जरा ये तो पूछो अफजल की तस्वीर का क्या हुआ, और जब मैंने तस्वीर मांगी तो आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तुम उसकी तस्वीर भी डिजर्व नहीं करती हो। बताओ तुम डिजर्व करती हो? नो, नॉट एट ऑल। सलाम अलैका या हुजूर, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका।
मौलवी कराया यार। अब मौलवी अंकल, मौलवी अंकल जी मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आए थे अंकल? ये क्या पूछ रहे हो मियाँ? मैं तुम्हारी क्रिकेट देखने आया था। सच पूछो तो आज ही पता चला है, सिर्फ क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट से अच्छा कोई खेल नहीं। अरे बबलू तुम रो क्यों रहे हो? मैं ही उसे छोड़ के आया था, मैंने उसे गाड़ी में बिठाया था। मेरे गाल पे प्यार मत कीजिए, मुझे मारिए मौलवी साहब। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बबलू बेटा। जाने वाले का इरादा अटल हो तो छोड़ने वाले का कोई कसूर नहीं होता। जाओ खेलो, लेकिन क्रिकेट ही खेलना। अरे तुम यहाँ बैठी हो? पहले सोचा था उसके दरवाजे पर रिसीव करने जाऊं, फिर माइंड चेंज कर लिया। वहां जाने की ठीक ठीक वजह बताओगी मुझे? आए थे करीमा की बात करने गई थी। बस यही बात हुई? ये बात भी नहीं हुई, मैं गई तो वहां आए थे करीमा पढ़ाई जा रही थी, मैं भी पढ़कर आ गई। अरे वाह, तुम लोग यहाँ सोचते हो और वो लोग वहां कर गुजरते हैं। हाँ हैरान तो मैं भी हुई थी, लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि दुख में सब लोग एक ही तरह सोचते हैं। तुम लोगों को क्या दुख है? रहने दो फरा, उसके जाने का तुम्हें भी बहुत दुख है या नहीं? उसके अम्मी अब्बा के बारे में कितना सोचती हो तुम, टीवी पे इश्तेहार चलाने के लिए भी तैयार हो गई थी तुम। ये अलग बात है बाद में तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका है। आइंदा मुझसे पूछे बगैर तुम उसके घर नहीं जाओगी। क्यों? वो मेरी दोस्त का घर है, तुम मुझे मेरी दोस्त के घर जाने से कैसे मना कर सकती हो? आरफा से अब मेरी भी दोस्ती है, उस घर में अब मेरा भी आना जाना है। तुम्हें पता है उसने आयत करीमा पढ़ने के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया था? पूछो क्यों नहीं बुलाया था? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि अफजल के भाग जाने का इल्जाम मेरे सर पर आ गया है। बिल्कुल भी नहीं, किसी ने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये तो उनका बड़ापन है, लेकिन मुझे तो पता है गलती मेरी है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने इल्जाम को धोने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैंने सोचा ये दरवाजा तुम्हारे यहां खुलता है तो बर्तन देने के बहाने आ गया। बहाने मतलब? नहीं, वो बाबू मीत का ख्याल है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, इसलिए नींद नहीं आ रही। अफजल, अफजल उठ। तैयारी कर, वो आ गया। अबे मोटरसाइकिल पर आया है क्या? मोटरसाइकिलों पे आया है। क्या करूं? ये अंदर का दरवाजा खोल, ऊपर चला जा और वहां से कूद के बराबर वाले के घर जाके बैठ जा, ठीक है? भागने की नहीं, लड़ने की बात कर रहा हूं। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। उठो जाओ यहां से, उठो। एक शर्त पे भागूंगा। शर्त बोलो, जल्दी बोलो।
मैं भाग जाऊंगा तो तुम लड़ोगे उनके साथ। डन, तू निकल, मैं उनसे लड़ूंगा। बस साले, अकेली जाना तू, मार डालेंगे तुझे। मेरा क्या है प्यारे, ये लोग छोड़ देंगे तो पुलिस वाले मार देंगे। तू निकल, देख अभी इसने दरवाजा नहीं खटखटाया, खटखटाएगा तो खोलना पड़ेगा वरना वो दरवाजा भी तोड़ देगा। तू लाहौर वाला है ना, तो लाहौर वालों जैसी बातें कर, इमेज क्यों खराब करता है। चल चल चल, चल, चल। जा रही है अम्मी? वली नहीं आया तो लड़के थे बाइक पर करतब दिखा रहे थे, चले गए। चल हाथ मिला। मैं समझता था बाबू हमीद एक डरपोक आदमी है। तुम्हारी कसम मैं एक डरपोक आदमी हूं, और कसम से तुम भी बहुत डरपोक इंसान। ये तो जरूरत की बात रही है कि वली जैसे आदमी के हाथ से मरते हुए शर्म आती। ये वली असल में है कौन? वो यास्मीन की अम्मी, उसकी खाला है। तो खाला है तो घर क्यों नहीं आने देती? यास्मीन पे दिल आ गया उसका, कहता है शादी करूंगा उससे। वो नहीं चाहती तो उसके मुंह पे थूकती है, एक नंबर का गुंडा है साला। अरे तुम बात करे ना उससे, अगर वो ये प्यार व्यार करता है तो गुंडागर्दी छोड़ देगा। बीवी का क्या करेगा, वो पहले से शादीशुदा है और पहले उसने लव मैरिज की थी, बल्कि सुना है वो पहली लव मैरिज नहीं थी, उससे पहले भी कर चुका है। 6 महीने लव रहता है, 7 महीने मैरिज रहती है, लव खत्म होने के 1 महीने बाद पुरानी छोड़ देता है। तो उसका नाम वली क्यों है? उसका नाम तो लवली होना चाहिए। सारा वलियों का नाम बदनाम कर रहा है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही, आ जाओ। जूस पियोगी? हाँ दे दो। ये साइकेट्रिस्ट वाली बात किसने की थी? मतलब ये आइडिया किसने दिया था? मैंने। तो तुम्हें लगता है कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? नहीं तो, अब नहीं लगता। आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। ऐसे मत कहो। I think you are right. मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। क्यों? मतलब ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगी हूँ जिनके बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए। मसलन कौन कौन? नाम बताओ। मसलन अभी मुझे मेहताब का ख्याल आ गया, सोचने लगी कि वो मेरे झूले को जला कर गया है तो खुद अंदर से कितना जल रहा होगा। Then so what? वो तो ठीक है, लेकिन उसका ख्याल ही आना चाहिए था मुझे। क्या है कि अंदर से तुम एक रहमदिल लड़की हो और वक्त के साथ साथ झूले के जल जाने का गम भूल गई हो और अब तुम्हें मेहताब पर तरस आने लगा है। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे लग रहा है अफजल खत लिखने वाली फराह को लेकर भाग गया है, इसलिए मुझे कराची नहीं जाना चाहिए। ये क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक है लुबना, कराची में अगर उससे आमना सामना हो गया तो वो तो यही समझेगा मैं उसके लिए कराची आई हूँ। हालांकि ये बात सोचना भी कितना चीप लगता है।
पता करो हैदराबाद में सबसे अच्छा साइकेट्रिस्ट कौन है। कल जाऊंगी मैं उसके पास। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो अम्मी अब्बा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यू डोंट वरी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन उठना। क्या है अम्मी? मुझे डर लग रहा है। अम्मी इतनी बड़ी होकर डरती हैं आप। तुम बड़ी हो गई हो ना, इसीलिए तो डर रही हूं। 2 बज गए अम्मी, अब नहीं आएगा वो। आज आ ही जाए तो अच्छा है, कल का इंतजार तो खत्म होगा। चाय बनाओ। बना लो। अब आया है वो। ये पिस्तौल मुझे दो, मुझे दो। दरवाजा तुम नहीं खोलोगे? हंस रहा है साले, बहादुर बन रहा है। चल जान बचाने का एक और मौका देता हूं तुझे। मुझे अपने कंधे पे बिठा और मेरी यास्मीन के पास छोड़ा। तो इसलिए तुम्हारी खाला तुम्हें घर में घुसने नहीं देती? हाँ कि ना? अच्छा देखो, लड़ाई मत करो, वली नाम है तुम्हारा, अपने नाम की इलाज रख लो यार। हाँ कि ना? अगर तुम हैदराबाद में होते ना तो तुम्हारे पंटर तुम्हें हाथ जोड़ करके जान बचाओ वली, अफजल के मुंह मत लगना। हाँ कि ना? बहुत मारूंगा साले, जब दूसरा पंच पड़ेगा तो जबड़ा टूट जाएगा तेरा। अरे
अरे आप क्या मारते हो वली साहब, मार तो आपका पंटर रहा है। रुक जा, इसे तो मैं खुद देख लूंगा। पक्कू नासिर वहीद, निकाल पिस्तौल, मार गोली साले को। मार साले को, गोली चलाने वालों को मैं देखता हूं। यहां कोई किसी के लिए गोली या मार नहीं खा, और बंदूक के खौफ से वो डरते हैं जिनके पास खुद बंदूक नहीं होती या फिर उसको चलाने का हौसला नहीं। मैं मौलवी सुभानअल्लाह का बेटा हूं वली साहब, और वो मुझे बताया करते थे कि मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, उसे मत डरना, जिंदगी से डरना। ये वहां मारती है जहां पानी भी नहीं मिलता। चल जा, छोड़ता हूं तुझे। वो तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वली। मैं अपने अब्बा के लिए अच्छा बेटा नहीं था, लेकिन कभी उन्होंने भी मेरा गिरेबान नहीं पकड़ा साले। अब तू भी माफ कर दे मुझे। क्या है कि बचपन में किसी ने गाली दी मुझे, मैंने बड़ा मारा उसको, उसने माफी मांग ली। अब्बा को पता चला तो कहने लगे कि तू भी इसे माफी मांग। मैं भी तेरी तरह बहुत हैरान हूं। कहा अब्बा इसने गाली दी है मुझे, तो अब्बा बोले कि उसने अपने किए की माफी मांग ली, तू अपने किए की माफी मांग ले। तो बोल बोल, तूने मुझे माफ किया? माफ किया। एक गलती है तेरे अंदर, तू इस बात से खुश हो जाता है कि कोई तुझसे डरता है। ना, ये ठीक नहीं है यार। अब्बा कहते हैं कि यह हक सिर्फ खुदा के पास है कि बंदा उससे डरे और वो खुश हो जाए। बंदा बंदे से डरे तो गुस्सा आता है उसको, उसके गुस्से से डर। थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। आपका मेरे और खुदा के बीच में आना भी मुनासिब नहीं है मौलवी साहब। मेहरबानी करो, खुदा को उसकी बंदी के पास रहने दो, मौलवी के इख्तियार में ना रखो। उसके घर वाले बहुत मिस कर रहे हैं उसको, उनको देखती हूँ ना तो मैं भी तड़प जाती हूँ। वो लोग मुझे अफजल भाई क्यों कह रहे थे? लोग अब तुमसे डरने लगे हैं क्योंकि तुम्हें वली से बड़ा गुंडा समझते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके